गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण यानी सम इम्पॉर्टेंट फ्रेजेस वाक्यांश और शब्दों को उसके हिंदी मीनिंग के साथ अध्ययन करेंगे। यानी जब भी हम ट्रांसलेशन बनाते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के शब्दों का समूह, वाक्यांश, शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो वैसे महत्वपूर्ण जो वाक्यांश है, शब्द हैं, उनका हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी कैसे बनाई जाती है उसकी सूची दी जा रही है। दूसरे नंबर पर बिट्विक्स्ट एंड बिटवीन, बिट्विक्स्ट एंड बिटवीन का मतलब होता है आपस में आधा आधा, बिट्विक्स्ट एंड बिटवीन आपस में आधा आधा। ब्रेड एंड बटर, जीविका अर्थात रोजी रोटी, आजीविका अर्थात रोजी रोटी, ब्रेड एंड बटर। फेच एंड कैरी, अधीनस्थ अथवा छोटे रुतबे वाला, फेच एंड कैरी, अधीनस्थ अथवा छोटे रुतबे वाला। गुड्स एंड चैटल, गुड्स एंड चैटल चल संपत्ति, गुड्स एंड चैटल चल संपत्ति। चाक एंड ब्लॉक, चाक ए ब्लॉक, एक दूसरे से सटे हुए, टेढ़े मेढ़े। चाक ए ब्लॉक, एक दूसरे से सटे हुए या टेढ़े मेढ़े। पिक एंड चूज, ध्यान से सुनना, पिक एंड चूज, ध्यान से चुनना। एवरी नाउ एंड अगेन, बीच बीच में आना, एवरी नाउ एंड अगेन, बीच बीच में आना। सी आई टू आई, पूर्ण रूप से सहमत होना, सी सी का मतलब देखना, आई टू आई तो पूर्ण रूप से सहमत होना। फेस टू फेस, आमने सामने, फेस टू फेस आमने सामने। फेयर एंड स्क्वेयर, शुद्ध और उचित, फेयर एंड स्क्वेयर शुद्ध और उचित। फी फा फम, फी फा फम बचकाना हुड़दंग, फी फा फम बचकाना हुड़दंग या बच्चों को डराने के लिए हुड़दंग मचाना, बच्चों को डराने के लिए हुड़दंग मचाना। फ्लक्स एंड रिफ्लक्स, फ्लक्स एंड रिफ्लक्स बड़ा बहस, मुबाहिसा अथवा वाद विवाद समझे। फ्लक्स एंड रिफ्लक्स बड़ा बहस या वाद विवाद। गिव एंड टेक, आदान प्रदान, गिव एंड टेक आदान और प्रदान। गुड्डी गुड्डी, गुड़ी गुड़ी ऊपर से अच्छे दिखाई देने वाले लोग, गुड़ी गुड़ी ऊपर से अच्छे दिखाई देने वाले लोग। हैंड इन हैंड, सद्भाव पूर्वक, हैंड इन हैंड सद्भाव पूर्वक, हाथ में हाथ मिलाकर, हैंड इन हैंड सद्भाव पूर्वक, हाथ में हाथ मिलाकर। हैव्स एंड हैव नॉट्स, हैव्स एंड हैव नॉट्स धनी और निर्धन, हैव्स एंड हैव नॉट्स धनी और निर्धन। होज एंड पोज, होज एंड पोज अस्त व्यस्त गड़बड़ करना, अस्त व्यस्त करना या गड़बड़ करना। हम्पटी डम्पटी लड़खड़ाता हुआ, हम्पटी डम्पटी लड़खड़ाता हुआ। इंस एंड आउट्स, छोटी से छोटी बात जानना, इंस एंड आउट्स छोटी से छोटी बात जानना। लॉ एंड ऑर्डर अनुशासन एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर अनुशासन और व्यवस्था। ऑफ एंड ऑन जब तब,
आप एंड आ जब तक, रेन आर साइन चाहे कैसा भी मौसम हो, रेन आर साइन चाहे कैसा भी मौसम हो, रियली एंड ट्रूली, रियली एंड ट्रूली निश्चित रूप से, रियली एंड ट्रूली निश्चित रूप से, टेट फॉर टैट, टेट फॉर टैट जैसा को तैसा करना या पिसाना, टेट फॉर टैट जैसे को तैसा करना या पीस आना, टेटिल टैटिल, टेटिल टैटिल फुस फुस करना, टेटिल टैटिल फुस फुस करना, अप्स एंड डाउन्स जीवन की विषमताएं, अप्स एंड डाउन्स जीवन की विषमताएं। अब आइए तीसरे नंबर पर, प्रायः पैसिव वॉइस में प्रयोग होने वाला शब्द यानी वर्ब, यानी यहां यह जो सूची दी गई है प्रायः पैसिव वॉइस में प्रयोग होने वाले शब्द हैं जो बार बार जब भी एक्टिव से पैसिव बनाया जाता है या ट्रांसलेशन पैसिव वॉइस में होता है तो इनकी आवश्यकताएं वहां पड़ती हैं, जिसमें पहले नंबर पर है वाज असेम्ड, वाज असेम्ड लज्जित हुआ, वाज असेम्ड लज्जित हुआ या शर्मिंदित हुआ, वाज बार्न जन्म हुआ, जैसे ही वाज बार्न वो पैदा हुआ कहा, इन मुंबई, वो मुंबई में पैदा हुआ, ही वाज बार्न इन मुंबई, वाज ड्रोन डूब गया, वाज ड्रोन डूब गया, दी बॉय वाज ड्रोन बाय द स्टॉर्म तूफान के द्वारा लड़का डूब गया, वाज फ्राइटेंड डर गया, वाज फ्राइटेंड डर गया, वाज टायर्ड थक गया, वाज टायर्ड थक गया, वाज डिसअपॉइंटेड निराश हो गया, वाज डिसअपॉइंटेड निराश हो गया, वाज हेल्ड हुए, जैसे कल एक मीटिंग हुई, ए मीटिंग वाज हेल्ड यस्टरडे, कल एक मीटिंग हुई, ए मीटिंग वाज हेल्ड यस्टरडे, कल एक मीटिंग आयोजित की गई। उसी तरह से वाज डिसअपॉइंटेड, वह निराश हो गया, ही वाज डिसअपॉइंटेड। अब आइए वाज इंज्यूर्ड घायल हो गया, दी बॉय वाज इंज्यूर्ड इन एन एक्सीडेंट लड़का दुर्घटना में घायल हो गया, दी बॉय वाज इंज्यूर्ड इन एन एक्सीडेंट। वाज लॉस्ट खो गया, वाज लॉस्ट खो गया, वाज प्लेज्ड प्रसन्न हो गया या प्रसन्न हुआ, वाज प्लेज्ड प्रसन्न हुआ, वाज रुइंड नष्ट हो गया, वाज रुइंड नष्ट हो गया, वाज सेटिस्फाइड संतुष्ट हो गया, द टीचर वाज सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर, द टीचर वाज सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर, द टीचर वाज सेटिस्फाइड विथ हिज आंसर। उसके बाद वाज टर्न फट गया,
वाज टर्न फट गया, वाज सरप्राइज आश्चर्य में पड़ गया, वाज सरप्राइज आश्चर्य में पड़ गया, वाज किल्ड मारा गया, वाज किल्ड मारा गया। निम्नलिखित वर्ब के पश्चात कोई प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं होता, निम्नलिखित वर्ब के पश्चात कोई प्रीपोजिशन प्रयोग नहीं होता, जैसे एडमिटेड दाखिल किया, एडमिटेड दाखिल किया, एडमिटेड दाखिल किया, आस्क्ड पूछा, आस्क्ड पूछा, एडवाइज्ड सलाह दी, एडवाइज्ड सलाह दी, कंसल्टेड सलाह ली, कंसल्टेड सलाह ली, कांग्रेचुलेटेड बधाई दी, कांग्रेचुलेटेड बधाई दी, लव्ड प्रेम किया, लव्ड प्रेम किया, ऑर्डर्ड आज्ञा दी, ऑर्डर्ड आज्ञा दी, ओबेड आज्ञा पालन किया, ओबेड आज्ञा पालन किया, हेटेड घृणा की, हेटेड घृणा की, प्रेज्ड प्रशंसा की, प्रेज्ड प्रशंसा की, रिक्वेस्टेड प्रार्थना की, रिक्वेस्टेड प्रार्थना की, थैंक्ड धन्यवाद दिया, थैंक्ड धन्यवाद दिया, एंटर्ड प्रवेश किया, एंटर्ड प्रवेश किया। उसके नीचे कुछ दूसरे शब्द हैं, शीघ्र ही या जल्दी ही, शीघ्र ही या जल्दी ही, वेरी शॉर्टली, शीघ्र ही या जल्दी ही, वेरी शॉर्टली, बढ़िया कॉलोनी पोस कॉलोनी, बढ़िया कॉलोनी पोस कॉलोनी, कितनी देर हाउ लॉन्ग, कितनी देर हाउ लॉन्ग। इस तरह से आप देख रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण फ्रेजेस का, या हिंदी से अंग्रेजी या हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी में कैसे यूज किए जाते हैं, कैसे उनको प्रयोग किए जाते हैं, इस संबंध में यहां जानकारी दी गई। थैंक यू।